कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और इस देश की तरक्की के लिए और बेहतर करें, सबको भाईचारे से सबको साथ लेके चलें, तभी तो उन्होंने नारा दिया। India's most trusted jeweler Tanishq अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience visit Tanishq near Reliance Fresh, वैशाली नगर मेन रोड अजमेर। मंत्री जी के जन्म दिवस के ऊपर यहाँ ख्वाजा साहब नगरी ने यहाँ दरगाह में चादर पेश की है और हम सब देश जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और इस देश की तरक्की के लिए और बेहतर करें, सबको भाईचारे से सबको साथ लेके चलें, तभी तो उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, और उसी आधार पर ये देश ये मुल्क तरक्की करे, इसके लिए आज हम फजल साहब की यहाँ दुआ मांगने चादर पेश करने आए हैं और प्रधानमंत्री जी और ताकत दें ताकि हमारा देश भाईचारे से रहे और ये देश और उन्नति करे और ये देश परम वैभव पर पहुँचे। यशस्वी नायक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है और जिन्होंने शुरू से जब सत्ता संभाली तब से इस बात को लेकर के साथ चले कि इस देश के सभी कौमों सभी धर्मों को एक साथ मिलकर के इस देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना होगा और सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास, जिन्होंने एक उद्घोष देकर इस देश के अंदर मैं कह सकता हूँ कि कौमी एकता की एक मिसाल दी, ऐसे प्रधानमंत्री जी के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका जी गुर्जर, हमारे केंद्रीय सरकार के अंदर मंत्री और हमारे सांसद आदरणीय भागीरथ जी चौधरी साहब और हमारे अजमेर के समस्त अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पर चादर पेश की गई है ख्वाजा साहब की खिदमत में। और इसी क्रम में आज शाम को एक ऐतिहासिक काम और होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक शुद्ध शाकाहारी देग लगभग 4000 किलो जिसके अंदर देग पकेगी, जिसके अंदर सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स वगैरह होंगे और ये कल फिर जो है जो खिदमत आम है उसके अंदर वितरित की जाएगी। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पैगाम हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया है कि ऐसे मोदी जी जो सबको साथ लेके चलते हैं उनके स्वस्थ जीवन और लंबी दीर्घायु के लिए आज यहाँ पर दुआ की। आज ये देख जो है IMF और चिश्ती फाउंडेशन इनके कॉलोब्रेशन दोनों के सौजन्य से ही आज के देख का कार्यक्रम हुआ। आज मोदी जी का जन्म दिवस है, हमने हकीकत की चादर पेश की है ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ और मोदी जी के सुदीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना की है और ये कामना की है कि जिस विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं उसमें सर्वधर्म सद्भाव के साथ आम जन उससे जुड़ा रहे और देश प्रगति की ओर जाए और हम सब मिलकर भाईचारे की एक मिसाल कहें।